अंक, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका भोजप्रिय माटी के साथ जुड़ा हुआ आपका खास प्रोग्राम भोजप्रिय दंगल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपने इस प्रोग्राम यानी कि भोजप्रिय दंगल में ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो कि आपके भोजप्रिय समाज, संस्कृति, माटी और उसके साथ ही साथ इतिहास के पन्नों के साथ जुड़ा हुआ होता है। कई बार हम आप सभी को कुछ ऐसी रियल कहानियां बताते हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और आप सभी को बेहद ज़्यादा खुशी भी होती है, क्योंकि उन सुपरस्टार जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्मों में हीरो बनते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे रियल स्टार्स जो कि रियल हीरो होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी वजह से भोजपुरी समाज काफ़ी आगे निकलता है। खैर दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय महिला के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे बिहार की महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। भाई जब भी देखा जाता है, जब भी महिलाओं की बात होती है, तो खैर अब तो चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेड़ियाँ कहते हैं वो आज भी कहीं ना कहीं लगी हुई है, जो कि अब भले ही दिखाई नहीं देती। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टार पर दो ऐसी महिलाओं के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने इन बेड़ियों को तोड़कर अपने आप को साबित कर दिया है, अपना नाम आगे कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ममता का। जी हाँ, ममता एक ऐसी महिला जिन्होंने हाल ही में मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल में पार्टिसिपेट किया और अपने आप का, अपने हुनर का, एक हाउसवाइफ होने के बावजूद अपने हुनर को दिखाया उन्होंने पे कि हाँ, अगर जो आप एक हाउसवाइफ हैं तब भी आगे चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। खैर आपको ये सारी चीज़ें, ममता की सारी बातें विस्तार से आपको बताते हैं अपने रिपोर्ट के जरिए। आज हम आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद लिखी है। जी हाँ, आप लोग को बताना चाह रहे हैं बिहार के पटना के एक छोटे से कस्बे कंकड़बाग में रहने वाली ममता राय से, जिन्होंने मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल को कंपटीशन में हिस्सा लेकर ना सिर्फ दो ताज पर कब्जा जमाया है बल्कि अपनी शख्सियत से बिहार के साथ साथ पूरे देश का मान बढ़ाया है। जी हाँ, इस कंपटीशन का आयोजन पिछले दिनों गोवा में किया गया था। इसमें पूरे देश के 26 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जज की भूमिका में जाने माने एशिया पैसिफिक इंटर कॉन्टिनेंटलर उजुल खान और मिस्टर यूनिकेसर 2015 जगजीत सिंह, फैशन डिजाइनर साहिब आलम के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थी। ममता राय उन हाउसवाइफ के लिए एक मिसाल है जो खुद अब तक ये समझ बैठी थी कि अब वो जीवन में कुछ नहीं कर सकती। उनका हौसला ये जानकर और बढ़ गया जब उन्होंने ये माना और जाना कि ममता राय शादीशुदा है और अपने बच्चों और उनके माता पिता के साथ अपने दो बच्चों का बढ़िया से ख्याल रखती हैं और वो उसके बाद ये इस मुकाम तक पहुंची है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इससे पहले उन्होंने ब्यूटी प्रेजेंट में हिस्सा लिया था जिसमें वह बिहार और झारखंड के प्रतिभागी में हिस्सा लिया था जिसमें भी वे विनर रही। इसके अलावा गोवा में आयोजित मिसेज इंडिया टूरिस्ट वर्ल्ड वाइज के लिए रनर अप के रूप में वो चुनी गई। मिसेज फिटनेस क्वीन की भी ताज उन्हीं के कब्जे में है और इसी वजह से ये तमाम उपलब्धि के लिए उन्हें हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। जीवन में वो ऐसी ही सफलता पाती रहे और उन औरतों के लिए मिसाल बनती रहे जो कि ये समझ बैठती हैं कि शादी होने के बाद शायद उनका करियर यहीं पर खत्म है। उन औरतों के लिए ममता राय एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हुई है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर जो सच्ची मेहनत और लगन साथ में हो तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से ममता एक ऐसी लड़की जिन्होंने अपने हाउसवाइफ होने के बावजूद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा किया और अपने आप को आगे लेकर गई और ये साबित करके दिखाया कि वाकई में अगर जो किसी का मेहनत उनके साथ हो और वो सच्ची लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी और लेकर आई हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ और वो लड़की है ऋषिका, जो कि बिहार छपरा की रहने वाली है। ऋषिका बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करती हैं, बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन
अब वो डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो चुकी है, अब वो किस फिल्म में आप सभी को नजर आने वाली हैं, अपनी खूबसूरती से कौन सी फिल्म में लोगों का, कौन सी फिल्म के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। और साथ ही साथ हम आप सभी को ऋषिका के परिवार से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें, बहुत ही दिलचस्प कहानियां आपको बताएंगे, जो आप सभी को मोटिवेट तो जरूर ही करेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। आगे अगर बात करें तो हमारी दूसरी जो हीरोइन है, जी हाँ, यानी हम हीरोइन ही कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी बिहारियों का जलवा बरकरार है, उन्हीं में से एक है छपरा शहर के मिशन रोड निवासी यशवंत सिंह और अर्चना सिंह की बिटिया ऋषिका सिंह। ये कई टेलीविजन सीरियल में काम कर चुकी है, अब हिंदी फिल्मों में भी नजर आएंगी। ऋषिका के पिता पटना में बिजनेस करते हैं और माँ हाउसवाइफ है। ऋषिका ने बताया कि फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसके बगैर हम अच्छे कलाकार नहीं हो सकते हैं। संवाद में उतार चढ़ाव और अजब चीजों को ना सीखने पर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पिता से कहे कि बेटे के अंदाज में बात करे तो यहाँ तक संभव नहीं होगा, जब तक आप यह कैरेक्टर को अपने अंदर नहीं उतारेंगे। ये कैसे करना है, ट्रेनिंग से ही जाना जाता है। ऋषिका सिंह स्लैब डील मैनेज के लिए ऐड भी कर चुकी है, वे बिहार की चर्चित आंख अस्पताल दिव्य दृश्य की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, ऋषिका ने अपनी पढ़ाई लिखाई पटना से की है। 12वीं के बाद ऋषिका सिंह ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की, जिसके बाद वह मुंबई पहुंचे। ऋषिका को पहला प्रेम कलेक्टर बहु दूरदर्शन पर मिला, फिर दुलारी गोतिया बस एक चंदा मेरे भी भोरे भोरे में अपने अभिनय की छाप उन्होंने छोड़ी। इसके बाद सोनी टीवी का चर्चित धारावाहिक CID मिला। ऋषिका सिंह ने बताया कि उन्हें वर्ष 2013 में ब्यूटी ऑफ बिहार के अवार्ड से भी नवाजा गया था और वर्ष 2014 में झारखंड के रांची में पुलिस पब्लिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अब वो बहुत जल्द अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली है, यानी कि ऋषिका को अब बॉलीवुड में एंट्री मिल गई है, उनके इंतजार की घड़ी खत्म होती है और अब वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऋषिका अब अपने सपनों को उड़ान भर दे पाएगी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिनका हर किसी को इंतजार रहता है। खैर, हमने आप सभी को अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से इन दो कहानियों के बारे में इसलिए बताया कि जहां एक तरफ ये दो लड़कियों ने, इन दो औरतों ने अपने काम से और अपने नाम से बिहार ही नहीं पूरे देश भर का नाम उन्होंने रोशन किया है, तो वहीं ये उन औरतों के लिए भी उदाहरण बनी है जो कि ये सुन चाहती हैं कि अगर जो वो शादीशुदा हो गई हैं या वो उनके माता पिता कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो उनकी करियर वहीं पर खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर जो किसी के पास मेहनत करने की सच्ची लगन हो तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हैं, और ये काम ऋषिका और ममता राय दोनों ने कर दिखाया है। देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार ऋषिका और ममता, दो ऐसी कहानियां हमने आपको बताया जो कि अपने अपने इंडस्ट्री में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने काम से हर किसी का नाम रोशन करने में आगे निकल गई हैं, चाहे हम उनके परिवार की बात करें, चाहे हम बिहार भोजपुरी की बात करें या फिर हम बात करें देश की। खैर, ये कहानियां तो बहुत छोटी थी, ये कहानियां तो हमने आपको सिर्फ उन दो औरतों के बारे में बताया है जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन देश भर में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को भी पूरा करने अब आगे निकल चुकी हैं और कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों का सोच भी बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया होगा, जैसे कि हर बार आप सभी को पसंद आता है, आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसे ही इस बार भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री यानी कि मनोरंजन से क्षेत्र जुड़ी मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट खबरें पाइए। आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल मैं आपके सामने भोजपुरी दंगल में फिर से कोई नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।